आजकल दोस्तों एक एक्ट्रेस बेहद परेशान है। किसी जमाने में इनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती थी। यशराज ने इनको लॉन्च पैड दिया था, यशराज के साथ इन्होंने काफी फिल्में की थी, बट अब ऐसा आलम आ गया है कि बेहतरीन प्रदर्शन देने के बाद, 5-6 फिल्म्स हिट देने के बाद, बेस्ट डेब्यूटेंट अवार्ड जीतने के बाद भी ये एक्ट्रेस बॉक्स ऑफिस पर पानी भरते हुए नजर आती हैं। और ये जो है तंग आ चुकी हैं लोगों के तानों से कि आप जो हैं अच्छी एक्ट्रेस नहीं हैं। क्या है ये बात, कौन है ये एक्ट्रेस, मैं इस वीडियो में आपको सारी बातें बताता हूं। दोस्तों स्वागत है आपका फीफा फूज में, आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। फेसबुक ट्विटर इंस्टा पे मैं मौजूद हूं तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम साइना, संदीप और पिंकी फरार और प्लस यशराज की बड़ी फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बहल के साथ डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस यानी कि परिणीति चोपड़ा की, प्रियंका चोपड़ा की कजन सिस्टर। परिणीति चोपड़ा जब इंडस्ट्री में आई तब उन्होंने रिकी बहल के लिए बहुत सारे अवार्ड्स जीते, लोग उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग कहने लग गए। और प्लस अगर आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत के साथ उन्होंने एक फिल्म की थी और उसके लिए भी उन्हें अच्छा खासा अवार्ड मिला और वो काफी ज्यादा अप्रिशिएट की गई थी। इनफैक्ट लफंगे परिंदे के लिए तो उनको इशक जादे के लिए उनको अवार्ड्स भी मिले थे दोस्तों। और इशक जादे के लिए कुछ ऐसा था नेशनल अवार्ड की उसमें कैटेगरी में भी उनका नाम आया था, एक्ट्रेस नहीं पूरी फिल्म कुछ समथिंग ऐसा था। अब दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये एक्ट्रेस रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया है उन्होंने और वो कहती हैं कि लिटरली यार हालत खराब हो गई है। स्टार्टिंग में जब मेरी शुरुआत हुई थी 4-5 फिल्में अच्छी गईं वो तो सबने मेरी एक्टिंग को सराहा, तारीफें करी, लेकिन जब सडनली अचानक से मेरी फिल्म खराब बिजनेस करने लग गई तब सभी लोगों ने मेरे टैलेंट पे क्वेश्चन मार्क कर दिया, किसी ने भी फिल्म्स पे क्वेश्चन नहीं किया, ये किस तरीके की बात है। तब से लेकर अभी तक मैं यही सोचती हूँ कि मैं अच्छा परफॉर्मेंस दूँ, सिर्फ और सिर्फ अच्छा परफॉर्मेंस दूँ। इसलिए मैंने जब संदीप और पिंकी फरार की स्टोरी सुनी तो मैंने तुरंत ही हामी भर दी और साइना तो फिर गर्ल ऑन द ट्रेन ये भी। दोस्तों खैर ये तो है, अगर कभी फिल्म हिट हो जाती है ना तो उसका श्रेय भी एक्टर को ही जाता है, लेकिन अगर फिल्म बुरी तरीके से पिट जाती है, फ्लॉप हो जाती है तो भी एक्टर पे ही जाता है। ये हमारी इंडस्ट्री की थोड़ी सी आयरनी है। हालांकि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सपोर्टिंग कास्ट, स्टोरी, डायलॉग्स, सॉन्ग्स ये बहुत मैटर करते हैं। सो गाइज व्हाट्स योर रिएक्शन ऑन दिस परिणीति चोपड़ा, लेट्स सी, देखते हैं कि वो कितने आगे तक जाती है। बेचारी ने अपना वजन भी घटाया था अभी रिसेंटली और वो पतली वतली भी होकर आई थी वापस। सो गाइज व्हाट्स योर रिएक्शन, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूड्स। इजाजत है।